मीटिंग में बीच में चलिया मिडल जी भी मुद्दा चुके मार्च तक भी पूछा भूलता रहा है ये भी नहीं दसाया गया कि सू जी तुम कैलकुलेशन कर रहे हो सू कैलकुलेशन दे दो ताकि अभी अपनी अपलाई साफियां कर दिए उन्होंने मना करता अभी कैलकुलेशन नहीं दे सकते सू कार्रवाई चल रही है पी एस एफ साहब से वित्त मंत्री के विचारे की गलबात चल रही है कि सोलह दो बाद भर्ती साथियों 15% का बेनीफिट देना है उसके बाद साथियों जो पदों तो दस उन्होंने भी दसिया ज्यादा फायदा नहीं हो रहा उन्होंने भी कुछ प्रबंध किया जाए नवे भर्ती जो मुलाजम उन्होंने प्रवेशन पीरियड में पूरी तनखा देने वाले जो 15-15 के लैटर का मंग रखी की कह रही 15-15 लैटर रद्द किया जाए उन्होंने कोई उचित नहीं है जो बेसिक तनखा देनी है कोई बेसिक तनखा दो जो इंक्रीमेंटा बनती है जिम्मे दो इंक्रीमेंट है फिलहाल अभी यह कहना नौसलम दे दो जब तक कोई बैठना नहीं होता इन्होंने दूसरे मन के तीजी इंक्रीमेंट बन दो उधर नवा साथियों जो जुलाई के 2021 का नवे भर्ती साथी आ गए कुछ आ गए होंगे कुछ आएंगे उन्होंने वास्ते जो केंद्र ने स्केल लागू किया उन्होंने भी अभी विरोध किया कि रद्द किया जाए केंद्र से स्केल यह सू मंजूर नहीं है पंजाब के सारे इको स्केल लाया जाए जो कलैरिकल कैडर से भर्ती हो जाए उसके हैंडीकैप इंपलाई वास्ते जो हैंडीकैप अलाउंस दुगना करने बारे बेसिक वे से जी लाइसेंस फीस पंजाब के लिखी जाती है 5% क्योंकि हम बेसिक वे बढ़ गई है लाइसेंस फीस के रेट भी बढ़ रहे हैं थोड़े वह भी मुद्दा चुका गया कि लाइसेंस फीस या तो यूटी की तर्ज पर की जाए यूटी जिम्मे फिक्स लेंदी है 300-400 या 100-200 या फिर यह परसेंटेज घटाया जाए उसके अलावा सब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बारे जो केंद्र सरकार देती है बच्चों लड़ते रहो जित पक्की होगी जित लड़ते रहते हो।